एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हाँ फ्राइडे है और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 7। तो अभी जस्ट मैं सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊँ, कब से सोच रही थी लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, फिर अभी कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिल रही सभी लोगों को। तो मेरे पास जो कुछ अभी पड़ा है उससे मैं जुगाड़ करने जा रही हूँ। तो बस मैं वही सोच रही थी कि बस वो जुगाड़ अच्छे से हो जाए। अगर वो जुगाड़ अच्छे से होता है, जो चीज़ मैं बनाने का सोच रही हूँ अगर बनती है अच्छे से, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी आप लोगों के हाँ बनी है अच्छे से और उसका टेस्ट कैसा है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन आप मुझे बताना कमेंट करके कि यार मैंने जो जुगाड़ किया है वो कर सकते हैं या नहीं। मतलब मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताना कि किसी ने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है। मतलब कभी कभी लाइफ में जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती, नॉर्मल डेज में भी नहीं होती। तो ये तो लॉकडाउन है, अभी तो लॉकडाउन में तो अभी कहाँ सब कुछ ढूंढने जाओ और जो घर में पड़ा हुआ है सब कुछ वेस्ट हो जाए एक आध चीज़ ना हो उसकी वजह से। सो मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ है तो एक आध दो चीज़ चल जाती है कि चलो नहीं है लेकिन बना देती हूँ। मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, अगर आप लोगों को कुछ और तरीका पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वैसे ट्राई करूँगी। और अभी चलिए चलते हैं। अब तो गाइज ये व्लॉग मेरा पूरा देखना, और प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कर देना अच्छी वाली। सो चलो चलते हैं। तो गाइज मैं अभी सिंगदाना को फ्राई कर रही हूँ। बता दूँ मैं क्या बना रही हूँ? नहीं यार, थोड़ी वेट कर लो। बस अभी ये फ्राई हो गए हैं, मतलब उतने ज़्यादा जलाने नहीं थे मुझे, मुझे उतने जले हुए पसंद नहीं है। तो मैं अभी निकाल रही हूँ इसको तुरंत और प्लेट में निकाल लूँगी, थोड़ी देर उसको ठंडा होने दूँगी। तो वो प्लेट में रख के मैं बाजू में रख दूँगी अभी, उसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं अभी चटनी के लिए सब प्रिपेयर कर रही हूँ। उसमें मैंने आलू मतलब अदरक, फिर मिर्ची, फिर लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसकी पेस्ट बना रही हूँ चटनी के लिए। लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरे पास आधा सामान नहीं है अभी लॉकडाउन की वजह से। सो जो भी है वो सब मैं डाल के बना देती हूँ अभी, देखते हैं कैसी बनती है। और मैं इसमें आधा लेमन स्क्वीज़ करके डाल दूँगी, तो मतलब अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। अभी ग्राइंड कर दूँगी मिक्सचर में। तो ये मेरी चटनी बनके रेडी है बिना धनिया की, इसीलिए ऐसी है, बाकी बहुत मस्त दिखती है। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी अभी मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं दाबेली की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मनीष अभी डाल रहे हैं इसमें सब मसाला जो सिंगदाने में डालते हैं सब, और ये मसाले वाले सिंगदाने रेडी हो गए हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाबेली का मसाला। तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए है साइड में और उसको मैश भी कर लिया है। अभी मैं बटर लेके उसमें अनियंस को फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ऑनियंस, उसके बाद मैं दाबेली का मसाला डालूँगी। जो रेडीमेड आता है ना वही है मेरे पास, तो वही मैंने डाल दिया है रेडीमेड वाला। तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप घर के जो मसाले हैं वो भी डाल के और गरम मसाला जो भी रहता है वो भी डाल के कर सकते हो, कोई मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा होता है अगर दाबेली का मसाला रहता है। फिर अभी मैं थोड़ी देर इसको चला लूँगी, अभी मैं उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि ये मसाला जल ना जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए अच्छे से। गाइस मैं इसको जुगाड़ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे पास सेव नहीं है और दाड़म भी नहीं है, तो देखते हैं कैसा लगता है उसके बिना।
तो ये अच्छे से पक गया है और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें पोटैटोस जो मैंने मैश किए हुए थे वही डाल रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी मैंने जो चटनी बनाई है वो डालूँगी, और ग्रीन वाली चटनी डाली और इमली की चटनी भी डालूँगी। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अभी सब सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, बस थोड़ी देर में हो जाएगा रेडी सब कुछ। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी लेकिन उसका कोई रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना रहता, बस इमली के उसमें गरम पानी डाल के थोड़ा उसको मैश करके निकाल लेने का, और उसमें जो पानी निकलता है तो उसी में गुड़ या फिर शक्कर कुछ भी आप डाल सकते हो आपके मन के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से। तो मैंने गुड़ डाला है इसमें और ये अच्छी बनी है, नमक भी डाल सकते हो। तो मेरे पास सेव भी नहीं है और दाड़म भी नहीं है, इसके बगैर बन गई है रेडी। अभी हुई अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। तो उससे पहले मैं स्किन केयर रूटीन अभी फॉलो कर रही हूँ मैं अपना, थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब रेगुलर किया है अभी मैंने, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो आप लोगों को स्पेसिफिक वही वीडियो मिल सके। अभी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।